السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدني علما मोहरम सामिया दोस्तों साथियों बुज़ुर्गों नौजवानों बच्चों और ख़वान इस्लाम आज के हफ्तावारी दर्स में हमारा जो मौजू है एक एतबार से अहम मौजू है अगरचे हर इंसान से मुतक मौजू नहीं है क्योंकि बच्चे का नाम रखने का मरहला हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं आता एक मखसूस वक्त में वो मरला आता है ज़िंदगी में वो चीज़ पेश आती है लेकिन एक तो ये कि अगर किसी कोई मरहला पेश आए तो उसे शरीयत के किन अहकाम और आदाब की पाबंदी करनी चाहिए कम से कम ये इंसान के जहन में मुसलमान मर्द हो या औरत उसके जहन में ये बात होनी चाहिए और वैसे भी आम मालूम के लिए कि आइंदा कभी भी वो मरहला हमारी ज़िंदगी में पेश आएगा या हम कोई और हमारे साथ वो चीज़ पेश नहीं आती है लेकिन कोई दोस्त हमारा अहबाब में से दोस्तों में से किसी के साथ कोई मसला पेश आता है तो हमारे पास कम से कम इब्तदाई मालूम हो कि हम कुछ हद तक उसकी रहनुमाई कर सकें तो बगैर किसी लंबी तमहीद के इन बात को मुख्तर करने की कोशिश करते हुए पहला पॉइंट ये रखूँगा कि नाम रखने की अहमियत क्या है वाज है मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम में से किसी का नाम ना हो फ़र्ज़ कर लें तस्वुर कर लें कि हमें से किसी का अगर नाम ना हो तो वो क्या है बे है उसका नाम ही नहीं है बे उसकी कोई अहमियत नहीं है कई एतबार से तारफ़ सबसे पहला सवाल जो किसी इंसान से पूछा जाता है आप मुलाकात करते हैं हम में से कोई भी किसी से मिलता है तो पहली बात क्या होती है कि आपका नाम क्या है आपके अब्बा का नाम वहीं से आगे बढ़ते हैं फिर गाँव किस ख़ानदान से हैं मैं फुला का फला आदमी का मैं भतीजा हूँ फुला का जो कुछ आगे बात होती है या अगर जो है पेशे में किसी नौकरी में भी कोई बात होती है आम तौर पर इंटरव्यू में कम से कम तारुफ के लिए पहला सवाल कभी कभी ये होता है कि आपका नाम क्या है यानी एक चीज़ क्या है तारफ़ तारफ़ के अतबार से नाम की अहमियत अल्ला है अल्लाह तबारक तशात फरमाया है सूरह हजरात आयत नंबर तेरह में कि या यान्नास ए लोगो इन्ना खलकनाकुम मिन वह व व हमने तुम्हें एक मर्द से और एक औरत से आदम और हव्वा से पैदा किया है व जअलनाकुम नाकुम व विला और हमने तुम्हें शेब यानी कोई हमने तुमको एक कबीला बनाया कहीं कहीं का रहने वाला बनाया तुमको अलग अलग कबीलों में खानदान ख़ानदानों में तकसीम किया इन ख़ानदानों में तकसीम करने का मकसद क्या है कबीलों में तकसीम करने का मकसद क्या है ले तारफू ताकि आपस में तारफ़ उसके बगैर तारुफ मुमकिन नहीं पहचानना एक दूसरे को मुमकिन नहीं है हम पहचानते हैं इंसान को ऐसे ही पहचानते उसका नाम उसके बाप का नाम उसके दादा का नाम उसके बाद उसके आगे आगे उसका ख़ानदान कबीला किस गांव का है किस मुल्क का है तमाम चीज़ें तो एक तारफ़ दूसरा ये फायदा या उसकी अहमियत ये है नाम रखने की जिसको हम कह सकते हैं कि तखातब बात करने के लिए पहली यानी मैं कौन हूँ मैं बात करने से पहले मैं कौन हूँ कोई भी आदमी जैसे एक पोस्टर लगा हुआ हो किसी तकरीर का भी और उस पर कोईवान भी लिखा हुआ हो कि फ़ुला मौजू पर ये तकरीर होगी तो बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट नहीं होंगे या बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहेंगे बोलने वाला कौन है तो तारुफ जरूरी है कि बोलने वाला कौन है किससे मैं बात कर रहा हूं इसीलिए फोन पर भी हम वही करते हैं कि बात करने से पहले जो है तखातुब के लिए जरूरी है कि बात करने के लिए अपने बारे में कुछ बताने के लिए सामने वाले से बात करने के लिए हमें किसी नाम की जरूरत होती है एक दूसरी बात उसी पॉइंट में दूसरी बात इसी पॉइंट में तीसरी बात यह है कि नसब इससे हमारा नाम से नसब साबित होता है कि आप किसके बेटे हैं किस ख़ानदान से नसब आपका आपके बाप कौन है आपके दादा कौन है तो इससे हमारा नसब साबित होता है इसीलिए आगे इंशाल्लाह बात आएगी इख्तिसार के साथ कि इसीलिए अपने बाप के अलावा किसी और बाप की तरफ मंसूब करना अपने आप को या किसी और ख़ानदान की तरफ किसी कबीले की तरफ ये बहुत बड़ा गुनाह है ये जो है कबीरा गुनाहों में से है तो गोया कि उसके ज़रिए नसब इसलिए कि नसब से फिर बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं बज दफ़ा ऐसा होता है ना कि जैसे ये होता है कि भाई ठीक है कभी एक बिछड़ गए दो लोग बिछड़ गए तो एक तरीका तो आज मौजूदा तरीक़ा हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा हालात में डीएनए टेस्ट सबसे आसान तरीक़ा है कि किसी को जो है उसका बायोलॉजिकल जो है कोई ताल्लुक है बाप है या जो भी है साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट ठीक है आज तरीक़ा है लेकिन पहले ये तरीक़ा नहीं था तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारी जगहों पर ये साबित करने के लिए कि ये आदमी उसका भाई है या बेटा है या बहन है या कोई भी रिश्ता साबित करने के लिए उसका जो है नसब का चैन देखा जाता था यही तरीका था कि आपको अगर किसी को मीराश देनी हो तो आपको साबित करना आज भी बाज हालात में अगर कानूनी एतबार से साबित करना हो कोई बेटा दावा करे कि मैं फलां का बेटा हूं और दूसरा भाई बोले कि नहीं हमारा भाई नहीं है तो साबित करने के लिए नाम के जरिए साबित करेगा प्रॉपर्टी में जैसे अब खेत में होता है गांव में इशारा काफी है तफसील में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हकीकत तो उसकी अहमियत बतानी बस जैसे अब गांव में होता है खेतौनी साबित करना हो किसी को साबित करना हो कि वो किसी का बेटा है तो वो जो है कागजात इस्तेमाल करता है कि हाँ बाप ने बाप के कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी नाम या मेरे नाम में कहीं बाप का नाम आया है तो इस तरीके से पहले बाप की मिल्कियत साबित होती है उसके बाद बेटों की मिल्कियत साबित होती कहने का मतलब ये है कि साबित करने के लिए और उसके बाद नसब के जरिए साबित होगा नसब के जरिए जो है निकाह का मसला साबित होगा बहुत सारे मसाइल जो है महरमियत का मसला बहुत सारी चीज़ों का मसला नसब के जरिए साबित होगा इसलिए नाम की अहमियत है इसी तरह चौथा पॉइंट इसी में यह है कि नाम की अहमियत इसलिए भी है कि ये इंसान की दीनी शनाख्त भी है उसकी तहजीबी पहचान भी है ये अगर मैं कोई कहे कि आपके बेटे का नाम क्या है आप कहेंगे सुरेश आप चौंक नहीं जाएंगे कोई मुसलमान ये कहे किसी मुसलमान से पीछे पूछे आप कि उसके बेटे का नाम क्या बोलेगा संतोष आप फौरन चौंक जाएंगे अरे तुमने अपने बेटे का नाम संतोष रखा तुम्हारे बेटे का नाम संतोष कैसे हो सकता है यदि नाम से इंसान के धर्म की पहचान हो जाती है सिर्फ नाम से किसी ने जवाब दिया जॉर्ज वाटसन कोई भी नाम विलियम आप फौरन चौंक जाएंगे अरे तुम्हारे बेटे का नाम विलियम कैसे हो सकता है या जॉन कैसे हो सकता है तो गोया की एकदम अंडरस्टूड बात है लोगों के दरमियान ये चीज़ मानी जाती है कि इंसान का नाम उसके मज़हब की पहचान देता है बताता है कि वो किस मजहब का मानने वाला है इसी तरह तहजीबी पहचान बाज़ दफ़ा ये होता है कि मजहब तो ठीक है मुश्तरक है मजहब एक ही है लेकिन बाज दफ़ा ऐसा होता है कि बाज इलाक़े के लोग कुछ ऐसे नाम मखसूस नाम रखते हैं कि दूसरे इलाके के लोग नहीं रखते हैं तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है फ़ला जगह का रहने वाला होगा बहुत सारे नाम है अब अब थोड़ा सा मुश्तरक ये हो गया क्योंकि नेट का ज़माना है तो हमने अरबों से बहुत सारे नाम हम ले लेते हैं अब यहाँ भी लोग अरबी नाम ज़्यादा रख लेते हैं तो हमको अंदाज़ा हो जाता है वरना फिर भी अगर कोई किसी का नाम रखा जाए हया छोटी हाँ से हया कोई किसी लड़की का नाम लड़की का नाम होता है हया पहले एक में मिसाल दे रहा हूँ बाकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं हया हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लफ्ज हया छोटी हा से नहीं रखा जाता लेकिन अरबों में मशहूर नाम है ये खूस सऊदी अरब में आसपास खलीज में ये मशहूर नाम है तो अगर कोई लफ्ज़ आदमी सुनेगा हया मतलब ये कि ये खलीज की है एक अंदाज़ा हो जाता है इंसान को तहज़ीबी एतबारे से पता चल जाता है तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम किसी की तहजीब की पहचान होता है बहरहाल और इसमें एक बात ये भी करनी है छोटी सी इसी मसले में कि नाम की अहमियत इसलिए भी है कि ये नाम रखना ये बच्चे के हकूक में से है बच्चे का हक है ये बाप पर बच्चे का हक है कि बाप अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे तो गोया कि अगर आपने नाम नहीं रखा या अच्छा नाम नहीं रखा तो कल को क़्यामत के दिन वो आपको पकड़ सकता है कि आपने मेरा नाम कल्ब क्यों रख दिया कल्ब के माने कुत्ता कुछ लोग नाम रखते हैं ना नाम मैं नहीं लूँगा वरना आप थोड़ा सा मसला है लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में भी लोग कुछ लोग अपने आप को कलबे फुला लिखते हैं नाम है उनका कलबे फुला कलबे फुला कल्ब के माने कुत्ता तो इसमें इंसानियत की गिरावट है या इंसानियत की इज्जत है कि कोई शख्स अपना नाम या अपने बेटे का नाम कल्ब रखे कुत्ता रखे तो बहरहाल ये कि बेटे का नाम रखना ये उसके हक़क़ में से है जैसे उसके बहुत सारे हम पर हकूक़ होते हैं कि हम उसकी अच्छी परवरिश करें उसकी अच्छी तरबियत करें बहुत सारी बातें होती उसमें होती हैं उसमें से एक बात ये भी है कि हम उसका अच्छा बच्चे का अच्छा या बच्ची का हम अच्छा नाम रखें इसीलिए एक जुमला कहा जाता है अरबों में कि मिन का एक नाम रखने से बच्चे के नाम से बाप की जहनीत भी पता चलती है इसीलिए अरबी वाले कहते हैं मक़ूला है मिन इसमिका अरारफ़ो अबा का कि मैं तुम्हारे नाम से तुम्हारे बाप को पहचानता हूं कि बाप कैसा है तुम अपना नाम बताओ हर जगह ऐसा नहीं होता लेकिन जहां नामों की अहमियत होती है और उसी एतबार से नाम रखे जाते हैं तो नाम बताता है कि बाप के जहन में क्या चल रहा है नाम बताता है कि बाप बेटे को बनाना क्या चाहता है उसने बाप ने नाम रखा शुजा शुजा के माने बहादुर यानी तो बाप बेटे को बहादुर देखना चाहता है उसके जहन में चल रहा है कही कहीं ना कहीं बाप नाम रखता है बेटे का अरीब अरीब के माने ज़हीन अकलमंद यानी बाप में वो चीज़ है कि बाप बेटे को ज़हीन अकलमंद पढ़ा लिखा बनाना चाहता है इसी तरह जो है मिसाल कोई भी चीज़ है कि अगर हमने किसी बेटी का नाम रखा है आफीफा मिसाल के तौर पर बेटी का नाम हमने आफीफा रखा है आफीफा के माने पाक दामन यानी बाप के जहन में वालदेन के जहन में है कि वो बच्ची की ऐसी तरबियत करना चाहता है अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि उसकी बच्ची पाक दामन रहे तो गोया के नाम रखना ये बाप की जहनीत को भी बताता है ये चंद बातें जो है नाम रखने की अहमियत के ताल्लुक़ से थी इसमें ख़ास बात यह है जो आगे भी शायद कहीं इशारे में आ जाएगी लेकिन यहाँ उस चीज़ को छेड़ दिया जाए कि एक बात यह है कि हमें बड़ा मोहतात रहना है कि हम जो भी नाम रखे बच्चे का या बच्ची का वो इस्लामी नाम हो इंशाल्लाह आगे तफस आता है लेकिन इशारा यहाँ कि इस्लामी नाम हो हम दूसरों से तश्बो ना इख्तियार करें दूसरों के तहजीब के पीछे ना भागें हम बहुत मशहूर हदीस है सुनबी दाऊद की कि नबी ने फरमाया सील वस मन तशब्बा बोमिन फ़हआ मिनहम कि जो किसी कौम की मुशा इख्तियार करता है उन जैसा बनने की कोशिश करता है फवा मिनहम तो वो उन्हीं में से है हो सकता है कि दुनिया में और आख़रत में उसका अंजाम उन्हीं लोगों के साथ हो और आप जानते हैं कि गैरों का अंजाम आखरत में क्या होने वाला है तो हमें जो है नाम रखने में एक जो ख़ास एहतियात करनी है तश्बों की क्या सूरतें इंशाल्लाह आगे आएंगी किन कैसा नाम नहीं रखना लेकिन एक आम कायदा कि हमें दूसरों के अतबार से नाम नहीं रखना है बल्कि हमें इस्लामी नाम रखना है मुसलमानों का नाम रखना है जो किताब सुन्नत में वारिद है या कम से कम जो नाम किताब सुन्नत के अतबार से जायज़ है मुबा है आगे चलते हैं एक दूसरा पॉइंट छोटा सा पॉइंट ये है कि नाम रखने का हुक्म क्या है तो नाम रखने का हुक्म जो है इबन हज़म र्ला ने मशहूर आलि है में ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि नाम रखना इजमा किया, किया है कि नाम रखना फर्ज है नाम रखना फर्ज है जरूरी है उसके लिए दलीलें मौजूद हैं, उस पर इजमा भी है और इंशाल्लाह आगे भी कुछ दलीलें आएंगी लेकिन इशारा कर दू जैसे बहुत मशहूर दलील है कि नबी ने जो है नाम रखा नबी ने फरमाया आज रात मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है मैंने उसे अपने बाप के नाम यानी इब्राहिम के नाम पर उसका नाम मैंने इब्राहिम रखा है तो नबी ने नाम रखा नबी ने तमाम साहब कराम का इंशाल्लाह बातें आएंगी सहाब कराम का नाम रखा इसी तरह हदीस में आता है जैसा कि सुन तिरमिली वग़ैरह में सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सलील वम ने जब बच्चे का सातवा दिन हो जाए तो उस दिन नाम रखने का हुक्म दिया कि सातवें दिन बच्चे का नाम रखा जाए बायदा इसमें लफ्ज क्या है कि नबी ने हुक्म दिया कि नाम रखा जाए इसका मतलब क्या हुआ ख़ुलासा ये है कि नाम रखना एक बाप के लिए बच्चे का नाम रखना ज़रूरी है फ़र्ज़ है आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे का नाम कब रखा जाए बच्चे का नाम कब रखा जाए तो इसमें दो रवायतें आती हैं तीन ओल हैं लेकिन दो रवायतें हैं बहुत वाज रवायत है जो इससे पहले मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है वो मुतफ़ा कले रिवायत है सही बुखारी सही मुस्लिम में है कि नबी ने फरमाया कि आज रात मेरे यहाँ आज रात वो अल्लाई लता ग़ुल के आज रात मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है और मैंने उसका नाम जो है इब्राहिम रखा है तो गोया के जिसने बच्चा पैदा हो उस दिन नाम रखा जा सकता है ठीक है क्लियर है दूसरी हदीस क्या है दूसरा कॉल और दूसरी हदीस क्या है कि नबी ने जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया सुनन तिरमिजी की हदीस है और भी किताबों में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवें दिन बच्चे की पैदाइश के सातवें दिन उसके नाम रखने का हुक्म दिया गोया कि ये हुक्म भी मौजूद है कि सातवें दिन नाम रखा जाए और उलमाए कराम ने यह भी जिक्र किया है कि तीसरे दिन नाम रखा जाए ठीक है तीन कौल हैं और दो कौलों के लिए हमारे पास सही हदीस मौजूद है कि नबी ने पहले दिन भी नाम रखा है इसी तरह सातवें दिन नाम रखने का हुक्म दिया है इसमें थोड़ा सा इख्लाफ कराम के दरमियान है कि नाम किस दिन रखा जाए तो बासाय कराम जो अक्सरतमाय तो कराम ने राजे ये करार दिया है कि इसमें हमें गुंजाइश है आपकी मर्ज़ी आप पहले दिन रखें या दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन या पाँचवें दिन या छठे दिन या सातवें दिन जो हदीस मिलती है हमें पहले दिन वाली मिलती है और सातवें दिन वाली मिलती है तो कोशिश करें कि सात दिन से ऊपर ना जाए कोशिश ये करें कि सात दिन के अंदर जो है नाम रख लिया जाए उसके बाद भी रखा जाता है तो कोई मज़ायक़ा नहीं कोई हराम बात नहीं है लेकिन कोशिश ये की जाए कि हम जो है या तो पहले दिन जैसा नबी ने किया वैसा कर लिया जाए या इस बीच में कभी भी और सातवें दिन से पहले रख लिया जाए बाएक राम ने तरजीह ये दी है कि सातवें दिन रखा जाए उसकी दलील क्या हो सकती है इन्हीं दोनों हदीसों में कि पहली हदीस में जहां नबी ने नाम रखा है और दूसरी हदीस में नाम रखने का हुक्म दिया है तो ये फ़ुका कराम का उ जो हैं जो ओसूली कायदा है कि अगर नबी का एक फ़ेल है एक काम है नबी का एक नबी का हुक्म है तो जो हुक्म है उसको तरजीह दी जाएगी उसको मुकदम रखा जाएगा तो उस एतबार से बात सक ने यह कहा है कि सातवें दिन जो है नाम रखा जाए लेकिन व्ला बेहतर ये लगता है कि इसमें गुंजाइश है चाहे तो आप पहले दिन नाम रखें चाहे दूसरे दिन या तीसरे दिन या कोशिश करें कम से कम जो मनसूस है पहले दिन या सातवें दिन रख लें एक छोटा सा पॉइंट जो है नाम रखने के आदाब के ताल्लुक से यह है कि नाम रखने से पहले और यह बहुत बड़ी है तो छोटी बात लेकिन गलती बहुत बड़ी है नतीजे के लिहाज से कि नाम रखने से पहले आप कराम से मशवरा कर लें बहुत सारे लोग ऐसे नाम रख लेते हैं और सिर्फ इस मसले में नहीं मैं इससे पहले भी बातें कर चुका हूँ बहुत सारे मसले में बल्कि अभी कुछ देर पहले एक मसला आया था बगैर नाम के मतलब जो भी या मसला आया था कि उनके यहाँ लड़का पैदा हो या बच्चा पैदा हुआ लड़का लड़के मुझे नहीं पता जहन में नहीं है जो भी बच्चा पैदा हुआ और वो बाप को कहीं जाना है तो उन्होंने छठे दिन ही अकीका कर दिया यानी जो हमारे हिसाब से लगता है कि वो छठा दिन है क्योंकि हमें जोड़ना है अरबी अतबार से और बार बार इसको दोहराता हूँ अरबी में बहुत कॉमन मालूम है लेकिन अरबी में रात पहले आती है रात से वो नया दिन शुरू हो जाता है तो उस से एतबार से छठा दिन मसला ये है कि अब ऐसा कोई मसला है तो करने से पहले आप कराम से पूछें लोग करने के बाद पूछते हैं करने के बाद आलम के पास गुंजाइश नहीं होती आपने एक चीज़ कर ली उसको हराम बोले तो भी डरता है कि एक चीज़ को बेगर दलील के हराम कैसे बोले लेकिन उसे यह भी लगता है कि आपने हदीस के ख़िलाफ़ किया है तो आलिम भी कभी कभी जो है वो बेचारा परेशान हो जाता है कि आपको जवाब क्या दे इसलिए बहुत वाजे है कि इस मसले में नाम रखने के मसले में भी हमें नाम रखने से पहले उलमाए कराम से रुजू करना चाहिए उलमाए कराम से मशवरा करना चाहिए और यही सहाब कराम का तरीक़ा था एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ सही मुस्लिम की कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तू कहते हैं कि मैं अब्दुल्ल् बिन अबी तलहा अंसारी को लेकर गया अल्लाह के रसूल के पास ये अब्दुल्ला कौन है उनके भाई है यानी एक तरफ़ से उनके भाई है यानी इनकी माँ जो है उम्मे सुलम है अनस की माँ उम्मे सुलम है और उनके जो सौतेले आज समझने के लिए सौतेले बाप अबू तलहा हैं अनस के तो उस लिहाज से एक तरफ से वो जो है माँ की तरफ से भाई है उनके तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं अपने भाई अभी उनका नाम रखा नहीं गया था लेकिन उन्होंने उस एतबार से आइंदा के अतबार से रिवायत में बात है कि मैं अपने भाई अब्दुल्ला बिन अभी तलहा अंसारी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गया जब उनकी विलादत हुई जब उनकी पैदाइश हुई तो अल्लाह के रसूल जो है किसी काम में मशगूल थे आपने कहा कि हल माँ का तमरुन तुम्हारे पास खजूर है तो मैंने कहा कि हाँ मेरे पास खजूर है आपने कुछ खजूर लिए उसको अपने मुँह में डाला उसके बाद थोड़ा सा चबाया उसके बाद बच्चे के मुँह में डाला और उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई का नाम अब्दुल्ला रखा तो एक तो ये कि कोशिश ये करें अगर ऐसा हो सके तो ये भी किया जा सकता है कि आप जो है आलिम के पास ले जाएं और उससे कहें कि आप नाम रखें जो मुनासिब हो ये भी हो सकता है या कम से कम ये करें कि कम से कम आप आलिम से मशवरा करें चाहे उसके पास जाकर मशवरा करें चाहे आज के ज़माने में फ़ोन पर जो है व्हाट्सअप के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए आप उससे बात कर लें कि मुझे नाम बताइए अच्छा नाम जो अपने बच्चे का मैं रखना चाहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप आलिम की बात माने आपको इख्तियार होता है असल जो है हक़ किसी भी बच्चे का का नाम रखने का हक असल बाप को होता है तो आपको इख्तियार है कि आप आलिम की बात माने ना माने लेकिन मशवरा समझें कि वो किसी जो है नाम को अगर रिजेक्ट करता है नहीं मान रहा है तो वजह बताएगा कि ये नाम गलत है इसमें कोई गलती शरी ग़लती पाई जाती है शरी कबाहत पाई जाती है या ये नाम अच्छा है क्योंकि उसका माना अच्छा है या किसी नबी का नाम है या किसी सहाबी का नाम है किसी नेक इंसान का नाम है उस एतबार आलिम आपको मशवरा देगा लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और ये हमें अपनानी चाहिए कि किसी भी बच्चे या बच्ची का नाम रखने से पहले हम किसी जो है मतबर आलिम से हम मशवरा कर लें यही जो है साहब कराम का तरीक़ा था इस बारे में बहुत सारी जो है हदीसें हमारे पास मौजूद हैं आगे चलते हैं एक पॉइंट आदाब के ताल्लुक से या अहकाम के ताल्लुक से ये भी है कि नाम रखने का हक किस है नाम रखने का हक किसका है तो उसमें सही बात यह है कि नाम रखने का असल हक जो है वो बाप का है बाप को हक़ हासिल है अगर अख्तिलाफ़ हो जाए कोशिश ये की जाए कि माँ को भी राज़ी किया जाए अगर दादा जो है चाहते हैं तो दादा की भी बात मान ली जाए कोई मसला नहीं दादी की बात मान ली जाए नाना की बात मान ली जाए या नानी की बात मान ली जाए कोई मसला नहीं लेकिन हक अगर झगड़ा होगा कि नहीं ये नाम वो कहे वो नाम तो ऐसी सूरत में नाम रखने का हक जो है वो बाप को हासिल है उसकी बात मानी जाएगी उसी के से जो है बच्चे का नाम रखा जाएगा क्योंकि तमाम चीज़ें जो डिपेंड करती हैं नाम रखने पर उसका ताल्लुक जो है बाप से ही है चाहे मीरास का असल मसला हो चाहे दुनिया में पुकारे जाने का मसला हो चाहे आखरत में पुकारे जाने का मसला हो या अगर कोई नसब में मसला खोट का मसला होता तो सबसे ज़्यादा जो इंसान बदनाम होता है बाप होता तो इसलिए जो है शरीयत ने इस बात का अहतमाम किया है कि ये हक़ जो है बाप को ही दिया जाए जैसा कि इशारा मिलता है सुर एज़ाब आयत नंबर पाँच में अल्लाह तबार को तला नरमाया उमल आबा व अक्सत कि उनके बाप की तरफ मंसूब करके बच्चों को पुकारो ये अल्लाह ताला त यहाँ ज़्यादा जो है इंसाफ वाली बात है बहरहाल आगे चलते हैं एक पॉइंट ये है कि बहुत वाजह है लेकिन शरी वजाहत ज़रूरी है कि बच्चे की नस्बत किसकी तरफ की जाएगी माँ की तरफ बाप की तरफ या किसी और की तरफ तो वाजह है कि बच्चे की नस्बत उसके बाप की तरफ की जाएगी दलील क्या है जो मैंने आयत आपके सामने रखी सुर एज़ाब आयत नंबर पाँच कि अल्लाह ताला ने कहा कि बच्चों को उनके बाप की तरफ मंसूब करके पुकारो ये ज़्यादा इंसाफ वाली बात है इसी तरह एक हदीस आती है जो सही मुस्लिम वगैरह में है अब्दुल्ला बिन नमर रवी अल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमायासलम के इंसान जो धोखा जिसने दुनिया में धोखा दिया होगा किसी को किसी भी अंदाज़ में धोखा दिया होगा जो गादिर होगा क़यामत के दिन उसके सामने या उसके पीछे जो एक झंडा रखा जाएगा झंडा गाड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा हाद ही गे फला बिन फुला का धोखा है यानी उसकी ज़िलत के लिए उसकी तजलील के लिए उसको बदनाम करने के लिए रसुआ करने के लिए बाकायदा हो सकता है कि बाज धोखे ऐसे हो दुनिया में अदालत के सामने नहीं आए लोगों के सामने नहीं आए लेकिन अल्लाह ताला उसको आखिरत में रसुआ करना चाहता है तो ऐसी सूरत में झंडा बाकायदा झंडा ऊँचा सा लगाया जाएगा और शायद हमें नहीं पता हदीस में वजाहत नहीं हो सकता है कि उसमें लिखा भी गया हो कि ये जो है उसने कहाँ किस धोखा दिया कितना धोखा दिया कितने का खबन था लेकिन कम से कम यह हदीस में आता है कि झंडा लगाया जाएगा उसमें हमें हमारे काम की बात यह है कि उसको जो पुकारा जाएगा उसके नाम से उसके बाप के नाम से तो इसलिए जो है ये सही बात यह है कि किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे को उसके बाप की तरफ मंसूब किया जाएगा हाँ अलबत्शारा कर करना काफ़ी कि बात बारूरतें ऐसी बनती हैं कि जहाँ बच्चे को उसके बाप की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा जैसे एक फ़र्ज़ करते हैं एक सूरत यह है कि कोई औरत शादी शुदा औरत जिना करती है शादी शुदा औरत जिना करती है और जो उसका शोहर है वो इनकार करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं जिसको हम कहते हैं लेआन तफसील में नहीं जाएंगे जिसको हम कहते हैं ले तो ऐसी सूरत ले आन की सूरत में अगर औरत शादी शुदा है तो ले की सूरत में बच्चा बाप की तरफ मंसूब नहीं होगा बल्कि माँ की तरफ मंसूब होगा माँ की तरफ मंसूब होगा ले की सूरत लेहान का मतलब जब औरत शादी शुदा है और उसके बाद जिना होता है और बाप इनकार करता है कि मेरा बच्चा नहीं तो ऐसी सूरत में ले की सूरत है कि कोई को एक इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जिना बीवी ने जिना किया है तो ऐसी सूरत में बच्चा उसकी तरफ मंसूब नहीं होगा बल्कि औरत की तरफ मंसूब होगा एक सूरत ये दूसरी सूरत यह है कि कोई औरत है जो शादी नहीं है शादीशुदा नहीं है उससे ज़िना की जो है हर की हरकत होती है ज़िना का जुर्म उसे सरजद होता है तो ऐसी सूरत में भी बच्चा माँ की तरफ मंसूब होगा जानी की तरफ मंसूब नहीं होगा अगर जानी इनकार करे या मालूम ना हो हाँ अगर ऐसी सूरत है हम तफसील में नहीं जाएंगे लेकिन अगर ऐसी सूरत मानी जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे मसले से मुत्ल नहीं है लेकिन इशारा काफ़ी कि हाँ अगर ऐसी सूरत है कि कोई जिना होता है और ज़ानी जो है जानी कहता है कि हाँ बच्चे को मैं कबूल करता हूँ ज़िना करने वाला मर्द कहता है कि मैं बच्चे को कबूल करता हूँ तो ऐसी सूरत में इख्तलाफ़ मायक राम के दरमियाँ जिसको हम कहते हैं कि की में अक़ कि अगर कोई ला अपने साथ मिलाना चाहता है ज़ानी बच्चे को तो मिलाया जाएगा कि नहीं मिलाया जाएगा इसमें मायक राम का अख्ताफ़ है इबनतामिया का और अबू हनीफ़ा रहा का कौल ये है कि मिलाया जा सकता है इस चीज़ को तस्लीम किया जा सकता है और बाज़ दूसरे फ़ुआ बल्कि जमहूर फखा का कौल यह है कि मिलाया नहीं जाएगा और जमहूर की दलील ज़्यादा मजबूत लगती है बस तफसीत में नहीं जाएंगे लेकिन ये दो ऐसी सूरतें हैं जहाँ जो है बच्चे को या बच्ची को बाप की तरफ मनसूब नहीं किया जाएगा बल्कि माँ की तरफ मनसूब किया जाएगा इसी तरह एक चीज़ और यहाँ हमारे जो माशरे में है जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है जो हमने इससे पहले भी इशारा किया है कि बच्चा हर सूरत में बाप की तरफ मनसूब हो हर सूरत में बच्चा बाप की यानी दो सूरतें छोड़ के जो हमें बयान कर चुके हैं आम हालात में मैं इशारा करना मैं तश्लील करता हूँ इन चाहे वो बाप का इंतकाल हो जाए तो भी बच्चा उसकी उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा माँ शादी करे ना करे किसी और के पास जाए किसी भी सूरत में जो बाप है उसका अगरचे इंतकाल हो गया हो अगरचे उसने बीवी को तलाक दे दी हो अगरचे कभी ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई है कभी देखा नहीं है हर सूरत में बच्चे को बाप की तरफ मंसूब किया जाएगा और ख़ास तौर से मैं यहाँ एक मसला ज़िक्र करना चाहता हूँ इशारा इशारा-इशारा काफ़ी है कि जैसे बाज़ दफ़ा ले पालक बनाना बच्चे को गोद लेना आसान लफ्ज़ों में गोद लेना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है इस्लाम में जायज़ नहीं कि बच्चे को आप गोद लें बच्चा बनाएं अपना किसी यतीम की किफ़ालत ये अलग चीज़ है कि या किसी यतीम की किफालत करें घर में लाएं कोई बच्चा छोटा रखें जब तक वो बड़ा नहीं होता है कोई मसला नहीं या बच्चे की किसी की किसी अंदाज़ में मदद करें कोई मसला नहीं बच्चे यतीम की किफालत करें उसका ख़र्चा बर्दाश्त करें उसको लिखाएँ पढ़ाएँ सब कुछ करें लेकिन आप जो है किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं बना सकते यह बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत की निगाह में जैसा कि उस आयत में इशारा है कि किसी भी बच्चे को उसको बाप की तरफ पुकारो अब होता क्या है लोग और ऐसी जो है सैकड़ों मिसालें इस वक्त हमारे सामने मौजूद होती हैं कि बच्चे को गोद ले लेते हैं और उस बच्चे को अपना नाम देते हैं ये शरान उसकी तफसीलात अलग है लेकिन शरण ये गलत है क्योंकि मीराज का मसला आएगा क्योंकि पर्दे का मसला आएगा और बहुत सारे मसायल आएंगे इसलिए शरान गलत है आपको नहीं करना है ये गुनाहे कबीरा है किसी भी मजबूरी का आप हवाला मत दीजिए क्योंकि वह शरीय में चीज ना जाए जबात खत्म आप ये कहें कि नहीं बच्चे को पालना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ नहीं भतीजा है भांजा है या फला का बेटा है या कोई भी मुझे बच्चा नहीं है तमाम बातें अपनी जगह पर लेकिन शरीयत में किसी गैर के बच्चे को अपना हकीकी बच्चा बनाना या उसको ऐसा जाहिर करना डॉक्यूमेंट्स पर लोगों के सामने कि वो आपका बच्चा है ये गुनाह कबीरा है क्योंकि लोग करते हैं सऊदी ले जाना है ये मिसालें सामने मौजूद हैं सऊदी ले जाना है या कोई ऐसा मसला है पढ़ाई का मसला है या कोई कहीं ना कहीं आके जाके आप फंस जाते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट पे जाहिर करना पड़ता है कि आप बाप हैं ये इसका जो है ये जो है तबन्नी का या किसी बच्चे को गोद लेने का ये शरीर नुकसान आगे जाकर नज़र आता ही आता है इसलिए हमें ये नहीं करना है और मैं उसकी तफसी नहीं जाऊंगा वरना एक अलग मौसू है कि एक बच्चे को गोद लेने से इशारा कर दूं एक बच्चे को गोद लेने से कभी कभी हमें समझते हैं कि बहुत भलाई का काम कर रहे हैं लेकिन आप बहुत सारे लोगों का हक मारते हैं सिर्फ इशारा मौजू हमारा वो नहीं एक एक यूनिक पॉइंट है इशारा कर दूं बस आपका भतीजा अगर है आपके पास मेरे पास बच्चा नहीं मिसाल के तो मेरे पास बच्चा नहीं है कोई औलाद नहीं है मैं क्या करता हूं अपनी औलाद की खुशी के लिए किसी को किसी गैर के बच्चे को अपना बच्चा बनाता हूँ गोद लेता हूं मेरा भतीजा मेरे पैसे मेरी तमाम मोहब्बतों का हकदार कौन था शरी ऐतबार से मेरा भतीजा था मैं अपने भतीजे को महरूम करता हूँ मेरा भांजा था मोहब्बत का कम से कम ठीक है मीरास में कुछ तफसीत हैं लेकिन मेरे जो है तोज्जो का मोहब्बत का हक़दार मेरा भांजा था मेरी भांजी थी मेरी भतीजी थी मैं उनको हक़ से मह कभी आदमी समझ नहीं पाता इस पॉइंट को कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को उनके हक़ से एक चचा और भतीजे की मोहब्बत ये अरबों में मिसाली मोहब्बत मानी जाती है मैं उसे महरूम कर रहा हूँ गैर के बच्चे को अपनी मुह, अपनी मोहब्बत गैर के बच्चे पर निछावर कर रहा हूँ और अपने सगे भतीजों को भतीजियों को भाजों को और भांजियों को मह, मैं महरूम कर रहा हूँ बहरहाल कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस मसले में नाम रखने के ताल्लुक़ से कि आप शरान नाजायज़ है कि किसी गैर के बच्चे को आप अपना नाम दें किसी भी मजबूरी का आप हवाला मत दें ठीक है आगे चलते हैं इसी तरह एक छोटा सा मसला ये है कि क्या एक इंसान का एक से ज़्यादा नाम रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता छोटी सी बात है तो शरान जायज़ है कि एक, एक इंसान का एक से ज़्यादा नाम रखा जाए कभी ऐसा होता है कि ददिहाल में दूसरा नाम है ननिहाल में दूसरा नाम है या डॉक्यूमेंट पे दूसरा नाम है घर में किसी और नाम से पुकारा जा रहा है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है इबन क़ीम र्ल ने उस हदीस से इसदलाल किया जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मेरा नाम मेरे पाँच नाम हैं अना अहमद अना माही अनल माही मैं अहमद हूँ मैं माही हूँ मैं हाशिर हूँ और मैं आक़िब हूँ तो ये जो अल्लाह के रसूल ने अलग अलग अपने नाम गिनाए हैं जिक्र किए हैं इब्ने कम रहमल्ला ने इसे इस्तलाल किया है कि गोया कि एक इंसान का एक से ज़्यादा नाम किसी भी वजह से एक से ज़्यादा नाम रखा जा सकता है इसमें कोई मसला नहीं है आगे चलते हैं एक पॉइंट ये है उसमें दो इस पॉइंट में दो बातें हैं कि किसी बच्चे का नाम रखते वक्त हमें खूस दो बातों का ख्याल रखना चाहिए एक ये एक बात ये जहन में हमारी रहनी चाहिए कि ये जो हम नाम देंगे ये नाम जो है उसका पूरी ज़िंदगी रहेगा ये नाम आप ऐसा नाम दें जिसकी वजह से वो ऐसा ना हो कि बचपन में तो ठीक लग रहा है लेकिन एक नौजवान के लिए वो नाम जो है गलत लग रहा है या बुढ़ापे में वो गलत लग रहा है ऐसा नाम नहीं देना चाहिए कोई ऐसा नाम पहले से सोच के रखे ऐसा नाम दे जो हमेशा जो है उसे अच्छा लगे मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ नाम की मिसाल तो जहन में नहीं आ रही लेकिन जो लोग जो लफ्ज़ कहते हैं किसी को हम कहते हैं नन्हे नन्हे छोटे बच्चे को तो अच्छा लगता है लेकिन एक चालीस साल के बच्चे को जब नन्हा कहा जाता है तो अजीब सा लगता है तो तो नाम में भी देखना चाहिए कि जो नाम आप रख रहे हैं वो नाम उसके बचपन में भी ठीक लगता हो उसके जवानी में भी ठीक लगता हो और उसके बुढ़ापे में भी ठीक लगता हो ऐसा ना हो कि बचपन में प्यार में आपने कोई नाम रख दिया लेकिन जवानी में उसको अजीब सा लगता है कि मेरा नाम ये क्यों रख दिया हाँ बच्चा खुद आके शिकायत करता है कि जो क्लास वाले चिढ़ाते हैं कि जो है तुम्हारा ये नाम है तो ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना चाहिए एक बात तो ये कि उम्र के मरहले के लिहाज से इसी तरह उसमें यह भी देखना चाहिए कि उसकी शख्सियत के अतबार से नाम है कि नहीं आपका बच्चा कमज़ोर साहब दिख रहा है आप उसका नाम पहलवान रख दें कोई भी लफ्ज लफ्ज़ कोई भी हो सकता है लेकिन आप पहलवान रख दें अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है कोई लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जो है अल्लाह ताला उसको सांवला बनाया है काला बनाया है ये अल्लाह की देन है हाँ लेकिन आप उसे कह दें कि ये चौधरी का चांद रख दें उसका नाम बद्र रखें तो लोग चढ़ाएँगे या नहीं चढ़ाएँगे भाई एक एक काले इंसान का नाम आप कहें कि ये चौधरी का चांद है ये बद्र है ये शम्स है ये सूरज नाम कुछ भी आ नाम जो भी आपको अच्छा लगे हाँ तो ये नाम इसी तरह कोई भी सूरत हो सकती है कि हमें देखना चाहिए कि ठीक है हाँ, आप ये नहीं कहते कि हर बच्चे के लिए हर बच्चा जो है अपने माँ बाप की निगाहों में बिला शुबा वो आँखों का तारा है इसका इनकार नहीं है कि वो आँखों का तारा है दुलारा है सब कुछ है लेकिन उसकी अपनी एक शख्सियत है अगर आप नाम कुछ ऐसा रखेंगे जो उसकी शख्सियत से मेल नहीं खाएगा तो वो समाज में वो मजाक का सबब बन जाएगी वो चीज़ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना है अच्छा आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट ये है कि देखिए अच्छे नामों की बड़ी अहमियत है पहले नामों की अहमियत हमने इशारा किया अच्छे नामों की भी अहमियत है और शरीयत ने अल्लाह के रसूल ने उसका लिहाज किया है एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने सही मुस्लिम की हदीस है नबी ने फरमाया एक चंद कबीलों का जिक्र करते हुए कि असलमू असलम एक कबीले का नाम है कहाँ असलमू उसे सलामत रखे नाम से आपने दुआ उनके लिए की जो नाम वैसी दुआ इस कबीले का नाम असलम है तो अल्लाह ताली उनको सलामत के साथ सलामती के साथ रखे वह गेफ़ारन ये कबीले किफ़ार है आपने कहा गफ़र अल्लाह अल्ला इस कबीले के गुनाहों को माफ फरमाए कहा गया कि ये आसियतु ये कबीला इसका नाम है आसिया नाफ़रमान लफ्जी माना क्या हुआ नाफ़रमान आपने फरमाया ये कबीला अल्लाह ताला का नाफ़रमान है तो नाम का असर होता है ये हमें तवज्जो देनी चाहिए कि नाम का असर होता है कभी भी आप गलत नाम ना रखें जो गलत माना उसका हो इंशाल्लाह बातें आएगी आएंगी कि कौन कौन, कौन कौन सा नाम या किस तरह के नाम हमें नहीं रखने हैं लेकिन ऐसा नाम ना रखें जिसका माना ग़लत हो अच्छे नाम रखें जैसे कहा असलम उसके अतबार से दुआ की कहा गफ़ार तो उसके अतबार से दुआ की इसी तरह एक बहुत मशहूर हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम और और भी जगहों पर है कि जब क़िल हुदैबिया का मसला था बहुत सारे लोग आए कुरैश की तरफ से बातचीत करने के लिए जब कुरैश की तरफ से एक जो है सफीर आया सुहैल बिन आम्र तो आपने क्या फरमाया लकद सहोलामरिकुम या अमरुकुम कि तुम्हारा काम आसान हो गया उसके नाम से आपने जो है फाल लिया आपने नेक फाल लिया कि उसके वो सुहैल आया है तो इनशा उसके जरिए तुम्हारा काम आसान हो जाएगा तो नाम का कहीं ना कहीं इशारा मिलता है नाम का अपना असर होता है इसलिए हमें नाम वो रखना चाहिए जिसका कोई अच्छा असर हमें अच्छा माना हो अच्छा असर हमें उसका मिलने की उम्मीद हो एक और हदीस में इशारा कर देता हूँ वह तो अच्छी हदीस है चूँकि सही मुस्लिम की हदीस है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज की रात मैंने एक ख्वाब देखा आज की रात मैंने एक ख्वाब देखा इसमें जो है नामों का असर देखिए कैसे अल्लाह के रसूल ने नाम का एक माना लिया है नाम की अहमियत को बताया अच्छे नाम कहा कि मैंने एक रात में ख्वाब देखा है गोया कि हम लोग उकबा बिन राफ़े के घर में हैं नाम देखिए उकबा बिन राफ़े के घर में हैं और हमारे सामने इब्न ताब की खजूरें लाई गई हैं इब्ने ताब एक आदमी का कहा गया कि एक आदमी का नाम था ये उसके नाम से खजूर मशहूर हो गई तो कहा कि हमारे सामने मैंने ख्वाब में देखा कि हम उकबा बिन राफ़े के घर में हैं और हमारे सामने इबन ताब की खजूरें लाई गई हैं तो कहते हैं फतः अवल तो नबी फरमाते हैं फतः अवल तू मैंने इस ख्वाब की ताबीर ये की अर्रफ़ अ त फि दुनिया के हमें दुनिया में बुलंदी हासिल होगी क्योंकि राफ़ेकबा बिन राफ़े राफ़े के माने बुलंद करने वाला तो नबी ने क्या कहा कि मैंने उस नाम से जो नाम मुझे ख्वाब में दिखाया गया मैंने उससे जो है ताबीर ये ली कि आरफ़लना फना फ़िर दुनिया के हमें दुनिया में बुलंदी हासिल होगी वलआब आखरा और आख़रत ने हमारा अनजाम अच्छा होगा आगे फ़रमाया वह अन दीन अन पाबा और इबन ताब से आपने माना यह लिया ताबीर ये ली कि हमारा दीन जो है मज़बूत हो जाएगा बेहतर हो जाएगा अच्छा हो जाएगा तो गोया कि सिर्फ नाम से अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात कही कि ख्वाब में देखा एक नाम तो कहा कि जो है हमें दुनिया में बुलंद सरबुलंदी हासिल होगी हमें आखिरत में अच्छा अंजाम मिलेगा और हमारा दिन जो है मजबूत हो जाएगा सिर्फ़ नाम की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने यह माना उस ख्वाब से लिया है तो इसका मतलब ये हुआ हमें समझना ये है कि नाम की तासीर होती है नाम का असर होता है तो हमें अपने बच्चों का अच्छा नाम रखना है चलिए के साथ बात करते हैं आगे बढ़ते हैं ताकि बस पॉइंट्स हो जाए कुछ के अच्छे नाम के पांच मर्तबे हैं पांच तरह के अच्छे नाम होते हैं शराह काफ़ी है। चंद मिसालें दूंगा पूरी मिसालें नहीं दूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास ज़्यादा हो जाता है आम पर तो पहला मरतबा ये है जो मशहूर हदीस आप जानते हैं अल्लाह के रसूल की, की मशहूर हदीस है कि नबी ने फरमायासलम कि अल्लाह ताल के नजदीक सबसे महबूब नाम क्या है अब्दुल्ला अब्दरण सऊदी अरब में हर घर में आपको मिलेगा इस हदीस का असर ये है कि हर घर में आपको अब या अब्दुलरमानब्दुल्ला ज़रूर मिलेगा और मैं आपको एक मिसाल मतलब एक मिसाल देता हूँ तारीख़ से साहब कराम में तीन सौ सहाब कराम इस हदीस का असर और उसका जो है उसको मानना उसकी इकतद साहब क्राम ने उस पर अमल ऐसे किया उस हदीस की पैरवी ऐसे की कि साहब क्राम में तीन सौ सहाब कराम ऐसे थे जिनका नाम अब्दुल्ला है तीन सौ सहाब कराम जिनका नाम अब्दुल्ला आपने अल्लाह के रसूल ने बहुत सारे साहब क़राम का नाम अल्लाह के रसूल ने ख़ुद अब्दुल्ला रखा है अपने जो है भतीजे अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम आपने अब्दुल्ला रखा सबसे पहला महाजरीन में से जो सबसे पहले बच्चे मदीना में पैदा हुए अब्दुल्ला बिन जुबैर उनका नाम भी अल्लाह के रसूल नेब्दुल्ला रखा जो महाजरीन में सबसे पहले बच्चे हैं तो इसीलिए साहब इक्राम ने उस पर अमल भी किया कि सबसे बेहतरीन नाम क्या है अब्दुल्ला अब्दुलरमान तो अगर किसी को अल्लाह ताला ने बच्चा दिया है तो कोशिश करें दुनिया को छोड़े दुनिया क्या बोलेगी हमारे ख़ानदान में है पहले से अब्दुल्ला है या जो भी बातें आप लोग कहते हैं लोग उन तमाम चीज़ों का एतबार मत कीजिए उसको उस पर ध्यान मत दीजिए आप अपने बच्चे का नाम अब्दुल्ला अब्दरहन रखने की कोशिश कीजिए एक बात दूसरी आगे बढ़ते हैं दूसरा मरतबा क्या है कि उसके अलावा जो भी अल्लाह ताला का कोई नाम हो उससे पहले आब्द हो ये दूसरा जो है मरतबा है जैसे अब्दुल अजीज़ है हाँ अब्दुल ग़फ़ूर है अब्दुल अब्दुलशक्कूर है अब्दुल अबलाम है अब्दुल अज़ीज़ है बहुत सारे नाम हैं जो भी अल्लाह ताला के अब्दुल मुहैमिन है अब्दुल अब्दुलमिन है जो भी अल्लाह ताला, ताला के नाम कुरान और हदीस से साबित हैं उसमें अब लगाकर अपने बच्चे का नाम हमें रखना चाहिए इसी तरह लड़कियों का नाम भी हो सके तो अमतुल्लाह रखते रखने वाले अमतुल्ला अमतलरहमान तो ये इस तरह के नाम हमें अपने बच्चियों के भी रखने चाहिए ये दूसरा मरतबा तीसरा मरतबा क्या है कि हमें अम्बिया कराम के नामों पर अपना नाम रखना चाहिए हमें अपने अम्बिया कराम के नामों पर हमें अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए इससे पहले मैंने आपको जो है इशारा कर दिया हदीस में आया कि नबी ने अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा इसी तरह यूसुफ बिन अब्दुल्लम बिन सलाम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम यूसुफ़ रखा और मुझे अपनी गोद में बिठाया ये सही हदीस है कि आपने नाम यूसुफ़ रखा तो गोया कि तीसरा मरतबा अलमाए क़राम ने यह तय किया है कि इंसान को अम्बिया कराम के नामों पर अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए जैसे आदम है यूसुफ़ है इब्राहिम है जो भी नाम आपको पसंद है यूनुस है जो भी नाम आपको अच्छा लगे ये आपको रखना चाहिए तीसरा मरतबा चौथा मरतबा क्या है कि इंसान जो है नेक लोगों के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखे और नेक लोगों में सबसे पहले सहाबे कराम और सहाबियात मैं बार बार दोहराता हूँ इस बात को कि आप दुनिया के पीछे ना जाएँ दुनिया वाले क्या नाम रखते हैं आज क्या ट्रेंड में है क्या लोग रख रहे हैं इन तमाम बातों का ख़्याल नहीं करना चाहिए हमें हमारी नस्बत जो है हम, हम अपने बच्चों की नस्बत हमें साहब कराम से जोड़नी चाहिए हमें अपने बच्चियों की नस्बत सहबियात से जोड़नी चाहिए आप नाम रखें जो साहब कराम का नाम है अबू बकरमान अली उमर जो भी आपको तलहा ज़ुबैर जो भी आपको पसंद है बहुत सारे नाम इसी तरह औरतों में आप जानते हैं फातमा जैनब रुकैया और कुम जो भी आपको नाम रखना है आयशा खदीजा सफ़िया बहुत सारे नाम हैं एक नामों की लिस्ट हमेशा अपने व्हाट्सअप पे तैयार रखना चाहिए कि सहाबियात के नाम क्या है साहब इक्राम के नाम क्या है लिस्ट तैयार करके हमेशा रखना चाहिए एक दूसरे को शेयर कर देना चाहिए कभी किसी के यहाँ किसी बच्चे की विलादत हुई या बच्ची की विलादत हुई तो वो शेयर हो जाना चाहिए क्या आप इसी में से किसी को किसी नाम को चुन लें चौथा मरतबा ये है कि हमें नेक लोगों के नाम पर नाम रखना चाहिए जैसा कि एक हदीस में आता है कि हारून जो है या उख्ता हारून जो आयत में आया है तो हारून जो है वो पुराने वाले हारून मुराद नहीं हैं बल्कि मरियम के ज़माने के हारून है तो उसमें नबी ने फरमाया जवाब में एक नबी ने, ने फ़रमाया कि पुरा, उन लोग वो लोग जो थे जो बनवा इसराइल थे वो अपने बच्चों का नाम अम्बिया कराम के नामों पर रखते थे वह साली नबल और जो नेक लोग होते थे उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते थे तो हमें भी नेक लोगों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए पांचवा मर्तबा आखिरी मर्तबा ये है नामों का सही नामों का कि उसके अलावा जो भी नाम आपको ठीक लगे जिसका माना सही हो जिसमें गैरों से मुशाबाहत ना हो या उसमें कोई शबी गलती ना हो जिनशाला आगे बताऊँगा गलती ना हो तो वह नाम रखा जा सकता है इसमें ख़ास बात यह है जो शर्न जायज़ है अगरचे बास, बास लोग उस पर एतराज़ करते हैं ख़ास तौर से अरब मा कराम इसको बड़ी अहमियत देते हैं लेकिन वो बात ठीक नहीं लगती कि अरबी नाम भी रखे जा सकते हैं उसके अलावा हमारे जो हैं उर्दू नाम भी रखे जा सकते हैं या फारसी नाम भी रखे जा सकते हैं इसमें कोई हरज की बात नहीं है ना बहुत सारे नाम लोगों के जैसे परवेज़ या कोई उसका माना गल गलत ना हो बस तो ऐसा नहीं लाजिम नहीं है कि हम अरबी नाम ही रखें यह लाजिम नहीं है बल्कि फारसी नाम जो हमारे यहाँ मशहूर हैं बहुत सारे नाम जैसे बाबर है या कोई भी नाम अगर उसमें कोई मतलब गलत माना ना हो तो वो नाम शाहजहाँ है अगर वो माना गलत ना हो तो रखा जा सकता है तो कहना ये है कि उसमें अरबी नाम ज़रूरी नहीं है उर्दू या फारसी नाम भी रखे जा सकते हैं बल्कि हिंदी नाम भी अगर अगरचे तहजीब का असर थोड़ा सा आ जाता है इसलिए थोड़ा सा हम सख्ती करते हैं कि ना रखे जाएं लेकिन जैसे बहुत सारे नाम जो है सही माना है तो रखने में कोई शरीक कबाहत उसमें नहीं होती है आगे चलते हैं उसके बाद बुरे नामों का असर देखिए बुरे नामों का जैसे अच्छे नामों का असर होता है बुरे नामों का असर होता है मैं एक हदीस सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ सही बुखारी की हदीस है सैद मसैब कहते हैं है है कि उनके दादा का नाम हसन था ये ताबरी है सईद मसैब ये कहते हैं कि उनके दादा का नाम हसन था हमारे दादा नबी के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी ने पूछा कि मस्मुका तुम्हारा नाम क्या है तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हसन है तो नबी ने कहा बल अनतः सहल उन नहीं तुम्हारा नाम आज से सहल है भाई मैं उसका तर्जुमा करूँगा यानी मफूम बताऊँगा कि हसन का माना क्या है तो नबी ने कहा कि नहीं तुम्हारा आज से तुम्हारा नाम साल है तो हमारे दादा ने कहते हैं सईद कहते हैं कि मेरे दादा ने कहा कि जो नाम मेरे बाप ने रखा है मैं अपना नाम बदलूंगा नहीं ठीक है इससे दो मसला मुस्तंबत होगा मैं बात करता हूँ इन <coughs> तो कहा कि जो नाम मेरे वालिद ने रखा है मैं अपने वालिद का नाम मेरे दादा ने कहा कि मैं अपने वालिद का रखा हुआ नाम नहीं बदलूंगा यानी इनकार कर दिया नबी की बात नहीं मानी अब सैद मुसीब कहते हैं कि फ़मा जालतफ़ी हज़ू न तो बहादू नबी की बात ना मानने का नतीजा या उसका असर ये है गलत असर बुरा असर कि हमारे दिलों में सख्ती पाई जाए क्योंकि हज़न के माने सख्त ज़मीन कोई सख्त चीज़ तो नबी ने उसके मुकाबले में कहा था सहल रख दो सहल के माने आ नर्म ज़मीन कोई आ नर्म चीज़ तो कहते हैं कि नबी की बात ना मानने और उस गलत नाम को तब्दील ना करने का बुरा असर हमारे खानदान पर यह है कि हमारे मिजाज में सख्ती पाई जाती है वो महसूस कर रहा हूँ दादा में भी थी बाप में भी देखा अपने अंदर भी देख रहा हूँ तो बुरे नामों का ये असर हो सकता है तो हमें कोई भी गलत माने वाला नाम अपने बच्चों का या बच्ची का बच्चियों का नहीं रखना चाहिए आगे बढ़ते नुकता ये है कि नाम को बदलना अगर कोई आपने गलत नाम रख दिया है तो आपको वो नाम बदलना चाहिए उसमें दो कैटेगरी इंशाल्लाह आगे बनेगी कि एक तो ये कि हराम नाम है तो ऐसी सूरत में बदलना ज़रूरी है और दूसरा ये कि मकरूह नाम है हराम तो नहीं है मकरूह नाम है बदलने तो बेहतर है अगर कोई मसला ना हो तो बदल लेकिन अगर कोई मसला है डॉक्यूमेंट वग़ैरह का तो रखा जा सकता है मजबूरी पर वरना उसे भी असल में बदलना चाहिए था लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो उसको बाकी रखा जा सकता लेकिन हराम नाम तो बाकी नहीं रखा जा सकता और ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है अल्लाह के रसूल रसूलसम जो है बहुत सारे सहाबराम के नाम आपने बदले हैं और आप नाम लोगों के बदला किया करते थे बहुत सारी हदीसें हदीसेंश आगे आएंगी जहाँ नामों के मरातब बयान करें अच्छा एक छोटा सा मसला ये है कि जो हमारे यहाँ राइज है जो राइज नहीं होना चाहिए नामों के ताल्लुक से जब औरत की शादी होती है तो वो नाम के आखिर में यानी पहले बाप का नाम होता है शादी से पहले रुकैया बिनते अब्दुल्ला कोई भी नाम लीजिए रुकैया बिनते अब्दुल्ला लेकिन शादी के बाद जो है वो रुकैया अगर उसने तारीख़ से शादी की है तो रुकैया तारीख़ हो जाती है वो ये तरीक़ा सही नहीं ये शरी तरीक़ा नहीं है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए सिंपल सी बात है बाकी उसकी मैं तफसीला थोड़ा सा इशारा कर दूंगा लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं शरीयत ने हमेशा एक औरत को उसके मैके से जोड़ के रखा है ये शरीयत का मिजाज है बहुत सारी सूरतों उससे बहुत सारे मसले निकलते हैं भी मसायल की तफसील का वक्त नहीं है लेकिन एक आम सी बात एक उसूली या बुनियादी बात ही समझिए कि शरीयत ने एक लड़की जब पैदा होती पैदा होने से उस लड़की के मरने तक चाहे वो बीवी की हालत में उसका इंतकाल हो चाहे माँ की हालत में चाहे दादी नानी की हालत में हर सूरत में उसका असल घर उसकी असल जो है मतलब लौटने की जगह उसका मैका है उसका बाप है उसका भाई है ये शरीय का एक बुनियादी फायदा है और उसको ना मानने की वजह से गैरों की तासीर की वजह से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं एक मिसाल दूँ बहुत सारी बातें मैंने नहीं करूँगा एक इशारा कर दूँ सिर्फ़ जब एक औरत शादी करके जो है अपने शोहर के घर पर जाती है तो क्या कहती है मेरा घर है और उसी मेरे घर की जाम में वो जो है उस घर की बेटी जो उसकी ननद कहलाती है उसको परेशान करती है अगर ननद शादीशुदा है घर से जा चुकी है अगर इत्तेफाक से छुट्टी में अपने बच्चों के साथ आती है अपने भाई के घर या अपने वालिद के घर तो वो भाभी उसे परेशान करती है क्योंकि दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये घर मेरा है इशारा कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे असरात इस गलत मफहम के शरीयत को ना मानने की वजह से निकलते हैं ये देखिए आप कभी आपने सुना है कि खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन ये कि हमें इसको जहन में रखिए शादी से पहले भी वो रुक़या बन अब्दुल् रहेगी शादी के बाद भी रुकैया बनते अब्दुल्ला रहेगी शादी के बाद भी उसको वैसे ही प्रॉपर्टी में हक़ मिलेगा जैसे शादी से पहले मिले अब उसके जो है उसके आप जैसे कहते हैं ससुराल में उसका कोई हिस्सा नहीं है जहन में इसको डालना है सबके इसको मानना है इसको समझना है उसके अतबार से अमल करना है कि एक औरत का उसके ससुराल में कोई हिस्सा नहीं है प्रॉपर्टी में सिवाय शौहर का जो मिलेगा उसी में से होगा या बेटा कमाएगा बेटा मरेगा तो उस एक अलग तफसीलात है लेकिन जो सास की प्रॉपर्टी है जो ससुर की प्रॉपर्टी है जो देवर की है जो जेठ की है या देवरानी जेठानी का कुछ अगर है तो उसका नहीं है वो असल जो कुछ है वो अपने बाप की तरफ है वो बहरहाल आगे चलते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये तहसीब नाम की तब्दीली नहीं है ये शरी अहकाम की तब्दीली का मसला है ये तहजीबों की तब्दीली का मसला है कि शादी से पहले जो नाम था वही शादी के बाद भी नाम रहेगा असल उसका जुड़ना जो है उसकी तमाम चीजें तमाम बातें जहाँ से भी वो कहीं भी उसको सताया जाएगा कोई मसला आएगा हमेशा लौट के वो अपने बाप के घर आएगी अपने भाई के पास आएगी और ये बाप भाई की जिम्मेदारी होगी कि उसे संभालेंगे जी आगे चलते हैं अब आते हैं इसे इशारा कर लेते हैं कि कौन से नाम नहीं रखना है तो उसमें देखिए पहली चीज़ ये है कि जो नाम रखना हराम है जो अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह ताला का को कोई भी नाम इंसान नहीं रख सकता जैसे कोई कहे को कि मैं मेरा नाम अल्लाह है नौज बिल्ला बिल्कुल वाज हराम, तो तो हराम है कोई कहे कि मैं रहमान हूँ और रहमान तो बिल्कुल वाज़ तौर पर यह हराम है कोई कहे कि मैं खालिक हूँ मैं राध हूँ इस तरह का कोई भी नाम जो अल्लाह ताला के साथ मखसूस है वो नाम जो है कोई बंदा नहीं रख सकता इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात कुछ हैं उन सिफात को भी बतौर नाम इंसान नहीं रख सकता जैसे अल्लाह ताला गयूब है ये अल्लाह ताला का नाम नहीं है बल्कि सिफात में से है लेकिन ये कोई कहे कि मेरा नाम मैं अपने बच्चे का नाम अलामागूब रखूँ यामैब रखूँ तो ये जो है नाम नहीं रखा जा सकता इसी तरह जो है एक सिफत मिसाल के तौर पर मलिकुल मुलूक बादशाहों का बादशाह ये अल्लाह ताला की सिफत है कोई बंदा अपने बच्चे का नाम मलिकुल मलूक बादशाहों का बादशाह नहीं रह सकता या जैसे जो है शाह शाह या शहनशाह दोनों एक ही चीज है मैं शहनशाह या शाह शाह कि बादशाहों का बादशाह इस तरह का नाम जो है वो बच्चे का नहीं रखा जा सकता ये वाजह है अल्लाह ताली ने फरमाया वो वह तम लहू समिया क्या तुम्हें अल्लाह ताली का कोई हम नाम नज़र आता है यानी अल्लाह ताली का हम नाम बंदे को नहीं होना चाहिए वो नाम बंदे को नहीं रखना चाहिए जो अल्लाह ताली के मखसूस नाम हैं जैसे मिसाल के तौर तो पर मलिकुल मलिकलमलुक का जहाँ तक जिक्र है तो एक हदीस में आता है सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अखनलास्माई सब सबसे घटिया नाम बंदे का सबसे बुरा नाम क़ियामत के दिन जो है वो शख्स है जो अपना नाम या अपने बच्चे का नाम मलिकलमलूक रखता है कि बादशाहों का बादशाह ये बंदे के लिहाज से सबसे जो है गलत नाम है कि अपने बच्चे का या अपना नाम मलिकलमलूक नहीं रखना चाहिए इसी तरह मैं इस इशारा कर देता हूँ हदी से मैं ज़िक्र नहीं करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया कि जैसे इसी तरह जो है अब एक सहाबी थे अबुक्कम नबी ने उनका नाम तब्दील करवाया कि नहीं तुम्हारा नाम जो है अबुल हकम यानी कुत कुत थी अबुलाक्कम तो पूछा भी कि तुमको अबुल हकम लोग क्यों कहते हैं हकम के माने फैसला करने वाला कहा कि मैं चूँकि लोग मेरे पास फैसला करवाने आते थे मैं फैसला अच्छा करता हूँ इसलिए लोगों ने मेरा नाम अबुल हकम रखा कहा कि नहीं तुम्हारा जो तुम्हारे बेटे हैं तो कहा कि ठीक है बताया कि दो बेटे हैं तो आपने इख्तसार ये कि आपने कहा कि तुम अबू शराये हो उनके बेटे का नाम शुरा था तो कहा कि तुम अबू शराय हो क्योंकि हकम यानी फैसला करने वाला असल में यह अल्लाह त किसी है तो इसलिए जो है बंदा ये नाम नहीं रखेगा इसी तरह बाज़ रवायतों में यह है कि असैयद सैयद के माने सरदार अस सैयद यानी इतलाक़ इतलाकी तौर पर नहीं, कोई कहे कि सरदार कौन है तो हकीकत में ये नाम भी नहीं रखना चाहिए अस सैद नबी ने मना फरमाया कहा कि अ अल्लाह के सैयद जो है ये अल्लाह ताला है तो बंदा अपना नाम सैयद नहीं रखेगा इसमें एक छोटा सा मसला ये आता है कि हाँ बाज़ नाम ऐसे हैं अल्लाह ताली के नाम हैं लेकिन बतौर सिफ़त जो है बंदे को मौसू किया जा सकता बंदे को वैसा कहा जा सकता जैसे मिसाल के तौर पर जो है रहीम है तो बंदा भी रहीम होता है तो कुरान में है कि लक़्जा अकम रसूल बिन अनफुसिकम अज़ीज़निमा अन तुम हरी़ुलआलै कम बिलमीन रऊफ़ुररीम कि नबी को रहीम कहा गया तो बंदे किस अरऊफ़ ये अल्लाह ताला का नाम है लेकिन बतौर सिफ़त जो है वो बन्दे को रऊफ़ कहा जा सकता है बंदे को रहीम कहा जा सकता है इसी तरह बंदे को शकूर कहा जा सकता है अल्लाह ने जिक्र किया है वो वलीमिन इबाद ये शकूर कि मेरे बंदों में से बहुत कम लोग शकूर होते तो शकूर कि फना शकूर है ये कहा जा सकता है तो ये कुछ नाम अल्लाह ताला के ऐसे हैं कि जिन नामों को बतौर सिफत बंदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता आगे चलते हैं इसी तरह दूसरा जो हराम नाम है जो दूसरी तरह के हराम नाम हैं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और की कि तरफ अब्द का की नस्बत करते हुए किसी जो है बच्चे का नाम नहीं रखा जा सकता वाजह है कोई आदमी कहे कि अब्दुल रसूल ये हराम है नबी, या अब्दुल हुसैन, या अब्दुलबा या, या कोई भी ऐसा नाम मसीह ऐसा कोई भी नाम नहीं रखा जाएगा अल्लाह के रसूल ने जो है सहाबी अब्दरमानौफ़ कहते हैं कि मेरा नाम आब्द अमर था बाज़ रवायतों में क्या अब्दुलक़ा था अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अब्दरहन रखा तो अब्द के नाम से नस्बत करते हुए कोई भी किसी बंदे की तरफ नस्बत नहीं की जाएगी अगर ऐसा कोई इंसान नाम रखता है कि अब्दुलनबी अब्दुलरसूल अब्दुल काबा या अब्दुल हुसैन तो ये ऐसा रखना हराम है आगे चलते हैं इसी तरह काफिरों का नाम नहीं रखा जाएगा जैसे कोई आदमी कहे कि अब्दुल मसीह काफिरों का नाम बुतरुस हाँ, पेटर बुतरुस का मैंने पीटर जैसे हम कहते हैं पीटर या हाँ, जॉर्ज चर्जिस जिसको हम कहते हैं जॉर्ज या इस तरह के नाम जो दलालत करते हैं जो बताए कि वो दूसरे का नाम है वो काफ़िरों का नाम है तो ऐसा नाम रखना भी हराम है चौथी चीज़ क्या है इसी तरह किसी जो है बुद्ध के नाम पर अपने बच्चे का नाम नहीं रखा जाएगा शैतान के नाम पर अपने बच्चे का नाम नहीं रखा जाएगा जैसे कोई कहे कि जो है मेरे बच्चे का नाम शैतान इबलीस खंजब कोई भी रख सकता है ना मतलब यानी किसी देव के नाम पर कुछ भी नाम किसी बुद्ध के नाम पर उज्जा लात तो ऐसे तमाम नाम जो है नाम रखना हराम है एक सहाबी थे वो सही हदीस है कि आपने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है कहा कि मेरा नाम शैतान बिन कर्त बा सही हदीस है बायदा था नाम कि लो, क्योंकि लोगों के असल तो में क्या है लोगों के जहन में ना कभी कभी बहादुरी का भी एक माना होता है शैतान का मतलब बहुत चाल चलने वाला तो वो सोच की भी लेकिन नबी ने मना फरमा दिया तो कहा कि जो है मेरा नाम शैतान बिन खुर्त है नबी ने कहा कि अंत अब्दुल्ला बिन खुर्त आज से तुम अब्दुल्ला हो अब्दुल्ला बिनकुर इसी तरह जो है वो नाम रखना हराम है जो सिर्फ नबी के लिए मखसूस है जैसे सैदुल्आ आदम आदम की औलाद का सरदार ये सिर्फ़ नबी हो सकते हैं या सदुलनास लोगों का सरदार या सदुल्क सब के सरदार तो ये जो नाम जो है जो बज हदीसों में आए हैं तो ये नाम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल के लिए हैं तो कोई आम लोग जो है दूसरे लोग ये नाम नहीं रख सकते आगे चलते हैं आखिरी चंद बातें कर लेते हैं कि कुछ नाम जो हैं वो हराम तो नहीं हैं लेकिन मकरू हैं नहीं रखना चाहिए बल्कि बदलने की कोशिश करना चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे नाम हैं जिनका माना अच्छा ना हो बुरा माना हो या उसमें जो है कुछ मज़ाक का पहलू निकले जैसे मिसाल देता हूँ चंद हदीसों में मिसाल हैं जैसे एक सहाबी आए उन्होंने कहा कि उनको शहाब कहा जाता था शहाब तो शहाब के माने होते हैं आग हाँ जो आसमान से आग गिरती है उसको शहाब कहा जाता है नबी ने थोड़ा सा उसको मुनासिब नहीं समझा कहा कि नहीं तुम तुम्हारा नाम अबलता है शाम तुम हिशाम हो और हिशाम के माने जूद सखात फयाजी उसके माने हिशाम कहा कि नहीं तुम हिशाम हो। हिशा शहाब भी बहुत बुरा नहीं था लेकिन आपने महसूस किया कि शहाब से बेहतर जो आप ये हिशाम नाम है तो आपने उसको बदल दिया इसी तरह एक सहाबी है उनका नाम था जहम जहम के माने तंगी किसी चीज़ में कमी होना तंगी होना नबी ने उनका नाम रखा बशीर खुशखबरी देने वाला तंगी वाले से हटा दिया इसी तरह जो है हसन की बात आई कि हसन था तो कहा कि नहीं तुम सहल हो अब इससे हमें यह भी पता चलता कि जब उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह के रसूल ने इसरार नहीं किया अगर हराम होता ना तो इसरार कर देने बदलो आपने छोड़ दिया मतलब ये कि ये नाम बदलना जो है ज़रूरी नहीं था यानी यह हसन रखना हराम नहीं था मकरू था गलत था लेकिन हराम नहीं था क्योंकि अगर हराम होता तो नबी उनको इसरार करते कि नहीं तुम बदल दो तो आपने ऐसा नहीं किया एक और नाम जैसे मिसाल के तौर पर एक सभी ने उनका नाम था असरम आश्रम के माने कटी हुई चीज़ कोई चीज़ टूट जाए कट जाए खेती को काट दिया जाए तो नबी ने कहा कि नहीं बलंता जुरा बलंता जुरा तुम जुरा हो जुरा जुरा के माने खेती खेत या जुरा के माने बीज तो अच्छा माना बीज से और जो है फल पैदा होगा और खेती अनाज पैदा होगा या खेत से और जो है चीज़ें पैदा होंगी तो वो अच्छा माना आपने रखा और जो आश्रम कटने का माना ख़त्म हो जाने का माना आपने उसको हटा दिया इसी तरह ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए जिसमें थोड़ा सा नरमी वाला मफहूम हो बहुत ढीला ढालापन महसूस हो या कोई शहवानियत महसूस हो जिनसी जज्बात भड़कने का मसला हो जैसे बज़ दफ़ा लोग ख्याल नहीं करते हैं नाम रख देते हैं लड़कियों का जैसे कोई फ़ातिन फ़ातिन के माने दिल को उचक लेने वाली औरत अब कोई ऐसा एक और ना एक और एक और माना नाहिद लोग तो नहीं समझ पाते हैं। नाहिद नहीं रखना चाहिए नाहिद के माने वो लड़की जिसके मतलब है कि सीना निकला हुआ हो तो अच्छा नाम नहीं है लेकिन लोग नहीं जानते तो कुछ भी नाम रख देते हैं तो देखना चाहिए इसलिए मैंने उलमा से मशवरा करना कि नाम इसका माना सही कि नहीं फातिन लोगों ने जिक्र किया फ़ातिन जैसे अरबों में भी रखा जाता है या और भी जैसे मिगनाज अटला के चलने वाली हाँ इस तरह के नाम रगत यानी बहुत ज़्यादा आयश में रहने वाली इस तरह इस तरह के नाम जिसमें थोड़ा सा जो है मतलब ठीलापन महसूस हो थोड़ा सा जिन्सी कोई मह, पहलू महसूस हो ऐसा नाम ख़ास तौर से लड़कियों का ऐसा नाम कुछ भी नहीं रखना चाहिए इसी तरह हमें जो भी आज जो स्टेज के लोग हैं जो गाना बजाने वाले हीरो हीरोइन इस तरह के जो लोग भी हैं उन लोगों के नाम पर बिल्कुल ही अपने बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए ठीक है इसको मकरू में इसलिए रखा है मकरू में क्यों कहीं कहेंगे कि नहीं रखना चाहिए तो फिर मकरूब में क्यों रखा है मकरू में ये कि कभी कभी ऐसा होता है नाम तो ठीक है ना अब आमिर है आमिर उसका नाम तो ठीक है ना लेकिन उसमें फिर जहनीत का पता होता है आदमी को हालात देखने पड़ते हैं इसीलिए वो सही भी हो सकता है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नहीं रखे जो मशहूर खासतौर जो बहुत मशहूर है और जैसे ही आप अपने बच्चे को बुलाएंगे सुनने वाले के जहन में जाएगा हाँ फला हीरो के नाम पर रखा है अगर ऐसा माहौल हो तो नहीं रखना चाहिए लेकिन असलन वो जायज़ होगा ना इसीलिए कहा कि बात सूरतों में ये चीज़ मकरू होगी वरना असल जायज़ है कि आप किसी के नाम आमिर रखें किसी के नाम शाहरुख रखें तो वो नाम गलत नहीं है लेकिन चूंकि वो मखसूस लोगों का मशहूर हो गया है नाम इसलिए अगर जहन में कहीं आप के आपकी बीवी के घर वालों के जहन में ये कि किसी ख़ास हीरोइन के नाम पर रखा जा रहा है बिल्कुल गलत और कोशिश करना चाहिए कि वो नाम ना रखे जाए आगे चलते हैं इसी तरह जो है वो नाम जो दलालत करते हैं किसी चीज़ पर की बुराई पर गुनाह पर सारिक चोरी करने वाला डाका डालने वाला जालिम कोई अपने नाम रखे आसी रखे गुनहगार एक एक सहाबिया थी उनका नाम था आसिया आसिया के मैंने नाफरमानी करने वाली आपने कहा कि नहीं तुम्हारा नाम आसिन तुम्हारा नाम जमीला है तुम्हारा नाम आज से जमीला सईदी सही मुस्लिम की तो आपने नाम, नाम बदल दिया तो ऐसे ही कोई आदमी नाम रख के फिर हारून हामान तो जायज़ नहीं मतलब ये कि ये मकरू है कि नहीं रखना चाहिए लेकिन देखिए गलत नहीं लाजिम नहीं कि गलत हो समझिए इसको थोड़ा सा जो मकरू मैं कह रहा हूँ कि हराम नहीं कह रहे हैं उमा कराम ने ऐसा क्यों कहा क्योंकि नाम बजाते ख़ुद फिरौन हो सकता कि माना गलत ना हो लेकिन फिरौन की जो तारीख़ है फिरौन सुन के बच्चे के जहन में जो तस्वूर पैदा, पैदा होता है चूँकि गलत तस्वूर पैदा होता है इसलिए वो नाम नहीं रखना चाहिए या हमान के नाम से जो तस्वूर पैदा होता है या कारन के नाम से जो तस्वूर पैदा होता है इसलिए जो है वो नाम नहीं रखे जाने चाहिए आगे चलते हैं इसी तरह जो है जैसा मैंने इससे पहले कहा कि जानवरों के नाम पर अपने बच्चों का नाम नहीं रखना चाहिए बंदर और कोई कल्ब कल्ब तो लोग रखते हैं इशारा काफ़ी है कल्ब यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं लोग कल्ब कल्ब फला कल्ब फला रखते हैं तो अच्छा बाज़ दफ़ा एक मैं लतीफ़ा कह दूँ इलमी लतीफ़ा अरबों में बंदर नाम बहुत है जो आल सऊद उनमें भी बाज़ उमरा उनके नाम भी बंदर है तो वो हमारा बंदर नहीं है वो वो दूसरा बंदर है क्योंकि जो है ज़बानों के फ़र्क की वजह से जो है वो माना दूसरा होता है तो बंदर वो है जो जो समझ में आता है मुझे बंदर वो है उनके यहाँ ताजिर और उसी अरबी जबान से हमारे उर्दू में एक लफ्ज बहुत मशहूर है कोई बताएगा हाथ उठाई वाह बंदरगाह वा। बंदरगाह जिस किसे कहते हैं आप बंदरगाह जहां जहाज आते हैं जहां ताजिर आते हैं गाह के मने जगह यानी ताजिर की जगह तो बंदरगाह को बंदरगाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां ताजर आया करते हैं सामान लेके तो बंदर जो अरबों में चलता है बंदर वो उस माने में है हमारे बंदर के माने में नहीं है लेकिन बहरहाल जानवरों के नाम पर अपने बच्चों का नाम नहीं रखना है आगे चलने इसी तरह कराम ने नापसंद किया है कि दीन की तरफ मंसूब करके नाम ना रखा जाए जैसे नूरुद्दीन शमसुद्दीन नूर अस्लाम शमसुलास्माम ये सलफ़ ने इसको नापसंद किया है ये अरबों में कभी नहीं रहा अरबों में ऐसा नाम कभी नहीं रहा जब अजमियों का गलबा हुआ जब गैर अरब का गलबा हुआ तो जो है लकब के तौर पर यह नाम पहले लक़ के तौर पर लिया गया फिर उसको नाम बना दिया गया धीरे धीरे नाम हो गया आप शमसलाम शमसुद्दीन बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे लेकिन ओलमािक राम ने इसको नापसंद किया है इबन तैमिया कहते हैं कि लोग उनका इब्ने तैमिया का लक़ब क्या था तकी उद्दीन तो कहते हैं कि मुझे नापसंद है लेकिन मेरे घर वालों ने यह नाम ये चूँकि लकब रख दिया था इसलिए इससे मशहूर हो गया लेकिन मुझे नापसंद है मैं से पसंद लफ अपने लकब को तकीुद्दीन को पसंद नहीं करता इसी तरह इमाम नबी भी नापसंद करते थे उनका था लकब महीद्दीन वो भी नापसंद करते थे कि उनको महीद्दीन कहा जाए महीद्दीन के माने दीन को ज़िंदा करने वाला तो इस तरह के नामों को नुमाए कराम ने हराम नहीं कहा लेकिन कहा कि इसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तस्किया है बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा जाहिर करना आप शमसल इस्सलाम हैं इस्लाम के सूरज आप हैं मतलब इस बहुत बड़ी चीज़ उसमें बताई जाती है ठीक है इसी तरह जो है आ, कुछ सिफात जो अल्लाह ताला की हैं मतलब उसको उसका नाम रख लेना जैसे रहमतुल्ल अल्लाह की रहमत ये ये अल्लाह की रहमत मिसाल के ये अल्लाह की रहमत बैठी हुई है हमारे यहाँ तो अजीब अजिम नाम है बाबुल्ला आपने सुना होगा सब नाम बाबुल्ला का दरवाज़ा क्या माना इसका लेकिन लोगों ने रखा हुआ है बाबुल्ला बैतुल्ला ये बैतुल्ला बैठे बैतुल्ला अरबों में आपको नहीं मिलेगा आप खंगालिए आपको साहब कराम ताबीन तब ताबीन में रूज के ज़माने में आपको नहीं मिलेगा ये सब नाम ये सब बाद में लोगों ने ईजाद कर लिया है कोई बैतुल्ला है अल्लाह का घर है कोई अल्लाह का दरवाज़ा है कोई रहमतुल्ला है कोई हसबुल्ल्ला कुछ भी अपने अतबार से बस अल्लाह आ जाना चाहिए बस लोग बना लेते हैं तो हमें एहतियात करना चाहिए ये सब नाम भी हमें नहीं रखना है इसी तरह कराम ने बस बात ख़त्म करते हैं कराम ने नापसंद किया है कि फ़रिश्तों के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाए या सूरतों के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाए क़राम ने नापसंद इसी तरह एक नापसंद किया है कि कोई ऐसा नाम ना रखा जाए जिसमें अपने नफ्स का तस्किया हो अपने आप को इंसान नेक जाहिर करे जैसे सूरज नजम की आयत नंबर बत्तीस है कि अल्लाह ताली ने इशात फरमाए फ़ला तुजक को हुआ आलम व बीमन कि अपने आप को पाकिज़ा मत बतलाओ अल्लाह जानता है कि कौन तकवे वाला है तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है कि कोई ऐसा नाम रखा जाए जिसमें तस्किया हो जैसे बहुत सही मुस्लिम की हदीस है कि एक सहाबिया थी जिनका नाम था बर्रा बर्रा के माने नेक, बर बर्रा जैसे ना अब्दुलबर है हमारे यहाँ तो बर्रा के माने या बर के माने नेक होते नबी ने कहा कि नहीं आपने बायदा ये आयत पढ़ी कि ला तो जक्क़ु अनफु सकम अल्लाम बहल ब्रीमिनकुम आयत का कुछ हिस्सा पढ़ा उसके बाद फरमाया कि फ़कालू तो लोगों ने कहा बीमा नसम्मी हम इस लड़की का नाम क्या रख दें फिर आपने कहा सम्मू हा कि उस लड़की का नाम बर्रा से बदल के जैनब रख दो तो आपने ऐसा नाम भी नापसंद किया है कि इंसान जिसमें अपने आप का जो है तस्किया करे मैं बहुत नेक हूँ इस तरह का माना को पैदा हो अच्छा एक आखिरी दो बातें कह के बाद ख़त्म हो जाती है कि एक आखिरी बात यह है कि देखिए आप अगर आप अपने बच्चे का नाम गलत रखेंगे लोगों की पैरवी में रखेंगे तो आप दो गलती करते हैं एक गलती कि आपने बच्चे का नाम गलत रखा दूसरा ये जो मशहूर हदीस आप जानते हैं कि आपने गलत चीज़ की बुनियाद डाली हो सकता है कि आपके मोहल्ले में वो नाम मशहूर नहीं था गलत नाम आपने रखा तो आपको देखा देखी और लोगों ने अपने बच्चे का या अपनी बच्ची का वो नाम गलत नाम रखा तो उन तमाम लोगों का गुनाह आपके सर जाए एक तो आप ही आपने बच्चे का नाम गलत रखा वो भी जो हदी मशहूर हदीस है कि सुन्नत में हसन आप जानते हैं जिसने इस्लाम में कोई अच्छी बात की बुनियाद डाली अच्छी बात कहीं राइज की तो जितने लोग अमल करेंगे उसका फ़ायदा उसको होगा गलत चीज़ बुनियाद डाल के गया गलत चीज़ राइज करके गया तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे उन तमाम लोगों का गुना उसके सर जाएगा उनको तो मिलेगा उसके सर भी जाएगा इसलिए हमें यह भी एहतियात करना चाहिए कि किसी माशरे में किसी मोहल्ले किसी गाँव में अपने बच्चे बच्ची का कोई गलत नाम ना रखें कि जिसकी नाम बहुत यूनिक हो बहुत अजीब सा लोगों को लगे और आप देखा देखी और लोग भी वो गलत नाम अपने बच्चों का या बच्चियों का रखना शुरू कर दें ठीक है इसी भी अपनी बात को खत्म करते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए अगर इस मौजू के तल्लु से किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं आप लोग असद ठीक मतलब जानवरों में वो जानवर जो मतलब बुरे समझे जाते हैं बुरे समझे जाते हैं बाकी इस तरह के नाम जो है साहब कर राम के ज़माने में मौजूद हैं असद वगैरह के नाम जी ना तो खुतब बड़े काफ से नहीं रखना चाहिए खुतब के माने होते चक्की या चक्की का बीज कैसा एक्सिस जिसे कहते हैं खुद के माने वो होते हैं तो आप अल्लाह के खुतब हैं क्या मतलब माना ही गलत है इसका तो बल्कि इसको हराम भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा हाँ? नहीं 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 फरहान ठीक फरहान के माने खुश फिरदौस मतलब ठीक ना रखे तो बेहतर है थोड़ा सा उसमें है मसला मुझे माना नहीं मालूम एक 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 धीरे हाँ कैसे बोलते हैं उसको आइन से मुझे तो लग रहा है कि हो सकता माना गलत हो उसका तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम्स के माने या हमजा के माने किसी को जो है इशारे से कुछ ऐसा करना का आँख से कान से यानी आँख से इशारा करना हम्स लम्स के माने तानो तशनी करना के माने में आते हैं लेकिन लाजिम नहीं कि मतलब एक ही माना हो देखना पड़ेगा लेकिन हम्स के जो माने आते हैं अस्का दाल से दाल से ना अच्छा वो अस्का नहीं रखना चाहिए कम से कम उसे मकरू कह सकते अस्का के माने सबसे ज्यादा पाकिजा वो तो आयत की मुखालफतें हो रही है जैसे? मैंने आपको एक बात बताई शुरू में कि जो जिन नामों को माइक्राम ने मकरू कहा है उसमें हमने ये बताया कि उसको बदलना चाहिए लेकिन अगर नहीं बदल सकते हैं किसी मजबूरी के तहत तो रहने दीजिए लेकिन अगर बदल सकते हैं तो बदल देना चाहिए तो आप उसको रखेंगे क्यों तो बदल दीजिए आप अपना नाम मोहम्मद कर दीजिए अच्छा इसमें यह भी गुंजाइश तो हमारे लिए ना कि ठीक है डॉक्यूमेंट में जो बन गया बन गया लेकिन बोल चाल में तो बदल दीजिए आपस में बोलने के लिए बदल दीजिए कि उसमें क्या मसला है भाई तो बहुत सारे घरों में दो दो नाम तीन तीन नाम होते हैं उसमें कोई मसला ही नहीं है लेकिन जो नाम मुनासिब नहीं है तो उसको बदलने की कोशिश करना चाहिए नहीं शारिक शारिक तो नहीं बोला मैं कहीं भी, भी सारिक छोटी हाँ सारिक के माने चोर हाँ बिस्मिल्ला नहीं रखना दुआ दुआ में हज तो नहीं लग रहा मुझे कि दुआ हाँ रख सकते हैं अबुल खैर ठीक है खैर वाला इतना बुरा नहीं है मतलब ठीक है वो वो तो बहुत वो तो वाजे नाम है वो तो, तो आ, अली अल्लाह ताला का नाम हाँ वो नहीं देखिए कंफ्यूज नहीं है ना देखियो अब्दुल हुसैन तो वाजे है अब्दुल अली में वजाहत तब करनी चाहिए कि मतलब अली जहल में अल्लाह ताला का नाम है हाँ अब्दुलाली, अब्दुलाली, अब्दुलाली। तो अगर कोई आदमी अब्दुल अली रखता है तो अगर वो अपना ये अल्लाह ताला का नाम यानी बंदा समझ के रखता है तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर वो समझ के कि अली का बंदा तो नहीं रखना चाहिए ना वो तो नहीं रखता वाज है क्योंकि उसमें कोई गुंजा उसमें कोई और जैसा कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें अली में इसलिए वजाहत है कि अली भाई ये नाम बज़ाते ख़ुद तो ठीक है क्योंकि अली जो है अल्लाह ती के आसमां में से अल्लाह नामों में से तो कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन कोई आदमी सोच र, ये सोच के रखे कि अली का बंदा यानी अली रज़ी अल्लाह तन का बनंदा तो अगले वाज शर्क है तो अगर कोई ऐसा माहौल हो कि जहाँ शर्क का जहन हो तो ना रखे आदमी लेकिन झिके अलिदीस होने से भी जैसे अब हमारे घर में है मैं अपना नाम बताऊँ अब्दुल्ला अब्दुल अली अब्दुल गफूर अब्दुल शकूर रब हम पांच भाई तो अब अब्बा आपको पता है कि अब्बा ऐसे हैं तो अब्बा तो अब्दुल अली रखे वो अली रजी अल्लाह तो मुराद लेंगे नहीं सबको पता है तो जहाँ कन्फ्यूजन ना हो रखना चाहिए लेकिन जहां लगे कि बहुत कन्फ्यूजन है अली से कोई समझ सकता तो ना रखे आदमी देखिए दो लफ्ज है मैं कंफ्यूज मत एक हिजिए नाहिद नून अलीफ छोटा हा दाल उसका माना ठीक नहीं जो मैंने आपको बताया एक फारसी लफ्ज है नाहिद वो ठीक है उसका कुछ माना मुझे जहन में फिलहाल नहीं है लेकिन वो दूसरे माने में नाहिद जो बोलते नाहिद लेकिन लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो नाहिद नाहिद माना गलत माजिद ठीक है अच्छा है तो किसने कहा माजिद अल्लाह का नाम है माजिद, करें। करें। माजिद कहीं है देखिए मुझे तो नहीं पता कि माजिद कोई अल्लाह तला इसमें यह पता करना बहुत ज़रूरी है ना कि वो अल्लाह तला का नाम है कि नहीं है जैसे बहुत सारे नाम हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि वो अल्लाह के नाम है जैसे कुछ लोगों ने इशारा भी है मकसूद है आपने लोगों को सुना होगा अब्दुल मकसूद जबकि मकसूद अल्ला, अल्लाह अल्लाह तला का नाम नहीं है मैं ज़िक्र करता हूँ बता कहीं लोगों ने और भी कई नाम जिक्र किए <क्ष़ुण> जैसे कहा कि बहुत से लोग अब्दुल मकसूद नाम रखते हैं जबकि मकसूद अल्लाह ताली का नाम नहीं है सत्तार अल्लाह तला का नाम नहीं है मौजूद लोग कहते हैं अब्दुल सत्तार इसी तरह अब्दुल मौजूद मौजूद अल्लाह तला का नाम नहीं है अब्दुलमूद महबूद अल्लाह तला का नाम नहीं है अब्दुल हुआ हुआ कहते हैं हुआ तो अब्दुल हुआ ये भी अल्लाह तला का हुआ अल्लाह तला का नाम नहीं है अब्दुल अब्दुलमरसल मुरसिलनी रसूल भेजने वाला सिफत तो है अल्लाह की लेकिन ये अल्लाह तला का नाम नहीं है मुसिल लेकिन लोग रखते हैं अब्दुलवाहीद और कराम ने कहा कि वहीद भी अल्लाह तै के आसमा में से नहीं है अब तालिब तालिब भी अल्लाह ताला के में से नहीं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा नाम अल्लाह ताला का नाम है या नहीं है तो इसीलिए तो कहें उनमा कराम से मिलना चाहिए ठीक तो है खालिद तो वाजह तो 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 है तो चलता है चलता चलेगा क्योंकि तो लोग वो जो है ना एक तरह से नबी से मोहब्बत का इजहार है वो तो उसमें किसी आलिम ने कोई इतराज़ नहीं किया कि आदमी मरक्ब नाम रखे इसमें कोई हर्ज नहीं बस ये नहीं होना चाहिए एक एक और नुकता था लाबात लंबी एक नुक़ा और था जो लोगों ने जिक्र किया है ख़ास तौर से बकर बजैद रह जो एक मशहूर आलिम है उनकी किताब है तस्मियतमूद इसको जाना जा सकता है कोई मसला नहीं या कोई एक बार आखिरी बार हो गया तो तस, उसमें उन्होंने जिक्र किया एक, एक और गलती जो जहन में आ गई आपकी बात से कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बिन हटा देते हैं जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है ना तो हम क्या कहते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला या कोई भी नाम लीजिए आप लोग भी कहते होंगे जैसे बाप का नाम तारीख है मेरा नाम जो है जाबिर है तो जाबिर तारीख इस तरह का कहते हैं तो शेख ने लिखा है कि ये भी मुसलमानों में ये मुसलमानों में से नहीं है मुसलमानों में ये चीज़ नहीं थी उन्होंने शेख ने तारीख जिक्र की है कि कहाँ से आया ये कह रहे पहले यहाँ पहले ये यूरोप से शुरू हुआ शेख ने कहा कि यूरोप में क्या होता था कि अगर अपना बच्चा है सगा बच्चा तो वहाँ अरबी जो इंग्लिश में जो भी लफ्ज़ होगा लेकिन सन ऑफ या जो भी लेकिन वहाँ बिन लगता था जैसे अपना बच्चा है तो जाबिर बिन अमीर कोई भी नाम ये अपना सगा बच्चा है लेकिन अगर वो गोद लिया हुआ बच्चा है लेपालक बच्चा है तो वो बिन नहीं लगाते थे जाबिर अमीर ये फ़र्क करते थे यूरोपियंस जो इसमें फ़र्क करते थे कि अगर बिन लगा हुआ है इसका मतलब वो अपना सगा बच्चा अगर बिन नहीं लगा हुआ है तो गोया कि वो गोद लिया हुआ बच्चा पहले ये कुछ सालों तक ये चला उसके बाद धीरे धीरे कह रहे हैं कि जब ये चीज़ें आम होने लगी तो बिन को ख़त्म कर दिया गया और सगे बच्चे को भी बगैर बिन के साथ और लेपालक बच्चे को भी बगैर दोनों को दोनों को बराबरी का हकूक देने के लिए उसको भी ख़त्म कर दिया गया पहले यूरोप में जो है ये चीज़ें राइज रही उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल गई लेकिन शर्य अतबार से कहते हैं कि वो ठीक नहीं है जैसा शरीयत में हम नबी का नाम कैसे लेते हैं कहीं भी आप मोहम्मद अब्दुल्ला बोलते हैं कभी आप उन्होंने यही मिसाल दी है कोई मुसलमान सोच सकता है जहन में आता है मुंह पे आता है उसकी होंठों पर कि हम नबी का नाम ले कहें मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं आता है। हमें ऐसा क्या आता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो कहा कि यही नाम असल है कि हमें जिसका भी नाम लेना हो भाई आप कौन है आपके क्या नाम है आपका फैसल बिन मोहम्मद फैसल बिन अब्दुल्ला तारिक बिन फलां वो बिन लगा के बोलना चाहिए हाँ ताकि वो जो मतलब असल में कभी कभी बात छोटी सी होती है लेकिन एक चीज़ जो लिखी जा रही है या बोली जा रही है उसके पीछे कोई तहजीबी चीज़ या कोई शरी बात होती है वो जो बराबरी का हकूक़ सगे बच्चे और ले पालक बच्चे को जो देना चाहते हैं ये बिन हटा के गोया कि उस तहजीब की तरफ इशारा है इस तरह किया जाए तो हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि बिन के साथ कहना चाहिए वल्ल अबोसाद ठीक है ये भी एक मसला था छोटा सा जो मैंने वक्त की किल्लत की वजह से नहीं छेड़ा कि एक चीज होती कुनियत कुनियत का मतलब क्या होता है कि जिससे पहले अबू लगा दे अब या उम या इब्न उसको भी कुनीत में शामिल करते हैं अबू फुला अबू फुला तो असल में ये कुनियत था अरबों में तीन चीज एक साथ रहती थी जो जिक्र की कराम ने तीन चीज एक तो नाम और दूसरा कुनीत और तीसरा लकब ये तीन चीज़ थी तो आमतौर पर अरबों में जब पुकारना होता आज भी वही रज है किसी को बुलाना होता आप हदीस की किताबों में देखेंगे किसी को बुलाना होता तो उसको नाम से नहीं बुलाया जाता था उसको कुनीत से बुलाया जाता था तो कुत और नाम और लकब बज़ दफ़ा ये होता है कि कुत पर ही नाम रख दिया जाता है तो ये जायज़ है जैसे अबू हुरैरा असल में कुन्दीत है लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम अबू हुरैरा रखना चाहिए कोई हर्ज की बात नहीं या उम्मुल मसाकिन एक कुनियत है लेकिन अगर कोई अपनी बच्ची का नाम उम्मुल उमुलमस रखना चाहे या उम्मे कुलसुम एक कुनियत है लेकिन अगर बच्ची का नाम उम्मे कुलसुम रखना चाहे कोई हर्ज की बात नहीं तो और भी जैसे अबू हमज़ा अबू अब्दुल्ला कोई भी अगर कुनियत के अतबार से अपना कुनियत ही को अपना नाम बना ले तो कराम ने इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं किया कोई हर्ज की बात है आप ऐसा नाम या कुनियत को नाम के तौर पर आप रख सकते हैं ठीक है अच्छा नाम है तो सहाबियात में से हैं मुझे मतलब तो नहीं।, नहीं पता कि मैमून के माने बंदर होता है सैफ सैफ के माने तलवार ठीक है रखिए ना अच्छी बात तलवार की तरह कोई खर्च नहीं खालिद देखिए नबी के सामने हाँ ठीक है स्कल्प बना होता लेकिन नबी के सामने कोई नाम रख था और नबी ने तब्दील नहीं किया इसका मतलब नाम सही है अगर वो नाम गलत होता तो नबी तब्दील कर देते वाज है नबी ने अगर जोड़ा जाए ना अभी एक साहब ने तो बखा इस पर किताब भी लिखी है अरबी में कि नबी ने कितने साहबे के का नाम बदला है तो कम से कम देखा जाए ना तो ऐसे आपको पचासों नाम मिलेंगे जिसको नबी ने बदला है तो अगर कोई नबी के सामने इतने मशहूर साहबी मौजूद हैं हाँ, खालिद बिन वलीद और आपने नाम नहीं बदला इसका मतलब है कि वो माना सही है क्योंकि देखिए एक तोजी उसकी ये हो सकती है कि देखिए हमेशा खुलूद का माने हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं होता है खुलूद का माने कभी कभी होता है ज़्यादा लंबे तक रहने वाला जैसे हम आप किसी इंसान से ये कहें दोनों में बातों में फ़र्क है आप एक इंसान से ये कहें कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे ये बात गलत है वो रही नहीं सकता लेकिन आप ये कहें कि आप लंबी उम्र पाओगे ये माना तो माना सही है तो खालिद में वहां वही माना मकसूद है कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा रहोगे